कल यानी 11 मार्च को सतना में कलेक्ट्रेट घेराव के पूर्व मध्य प्रदेश एनएसयू प्रभारी राष्ट्रीय सचिव नीतीश गौड़ जी, मध्य प्रदेश एनएसयूआई अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कोविंद ठाकुर जी ने छात्रों की उपस्थिति में जन सैलाब को संबोधित कर भाजपा सरकार की छात्र विरोधी नीतियों को उजागर किया। की जा रही है, हम आप सबसे कहना चाहते हैं, लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके नेता नीरज कुंडन जी आ रहे हैं, पूरे गर्मजोशी के साथ हम लोग कार्यक्रम में भाग लेकर आगे कलेक्टर घेराव में शामिल हो और इसको सरकार को बताएं, सिराज और प्रदेश केंद्र की मोदी सरकार को बताएं कि हम छात्र इंकलाब रखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश एनएसयूआई बिन से मंजुल त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक नया इंकलाब रचेगी, इंकलाब का दर्ज करेगी। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, ताकत के साथ इस मार्च को, इस आंदोलन को।